Welcome back to Swayam Aiju classes. In this video, we will discuss polynomial chapter जो class 9th का chapter 2 है and उसका exercise 2.1 का question number 1 we will discuss here. तो पहले question देखते हैं. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? तो कौन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यू हैव टू फाइंड आउट एंड देन कौन पॉलिनोमियल नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. देन अगर वो वन वेरिएबल है और नहीं भी है तो उसका रीजन भी आप लोग को लिखना है. तो ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है ये जो एक्सप्रेशन सब दिया गया है ए ए ए. पहले हम पॉलिनोमियल जो हम पढ़े हैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग देखे होंगे तो पॉलिनोमियल में जो टर्म होता है ये टर्म मान लो 4x2 तो एक तो न्यूमेरिकल पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है. जो वेरिएबल पार्ट होता है वेरिएबल का पावर और डिग्री उसका जो पावर होता है उसको वो कितना होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए 1, 2, 3 ऐसे इंफिनिटी तक होता है. तो कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 0 होना चाहिए 1, 2, 3 और कोई भी नंबर होना चाहिए. अगर होल नंबर नहीं है तो हम उसको पॉलिनोमियल पहले तो नहीं बोल पाएंगे. ठीक है तो अभी हम क्वेश्चन में आते हैं. तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है 4x² - 3x + 7 ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें पहले देखेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं. अगर पॉलिनोमियल है तो वन वेरिएबल है कि तो वेरिएबल किसको देख के पहचानेंगे ये x है वेरिएबल एंड हियर आल्सो x इज वेरिएबल. तो वेरिएबल तो है और तो कोई वेरिएबल y, z ऐसे कुछ नहीं है जो वेरिएबल. और वेरिएबल जो है ऐसे जैसे यहाँ बोले हैं वेरिएबल कैसे पहचानेंगे a, b जितना अल्फाबेट होते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. यहाँ ओनली वन टाइप ऑफ अल्फाबेट इज हियर तो x ओनली वन वेरिएबल है. और पॉलिनोमियल है कि नहीं पॉलिनोमियल कब होता है जब कोई वेरिएबल का पावर 0 और 1, 2, so on ऐसे होता है. यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर 2 है यहाँ एक वेरिएबल का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है. तो ये जो टर्म है ये जो कंडीशन इसका है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या लिखना है ये इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वो वेरिएबल क्या है x. ठीक है तो ये एक पॉलिनोमियल है वो कंडीशन को भी फुलफिल करता है क्योंकि जो वेरिएबल का पावर होल नंबर है 2 है यहाँ भी 1 है. ठीक है ये क्वेश्चन क्लियर. देन विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 y² + √2 यहाँ वेरिएबल क्या है यहाँ वेरिएबल y है तो इसका पावर कितना है इसका पावर 2 है एक तो होल नंबर है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है तो इसको भी लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लेकिन वेरिएबल क्या है इसका y है. ठीक है क्लियर. देन विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 तो हियर 3√t + √2 तो यहाँ वेरिएबल क्या है यहाँ वेरिएबल t है तो ये जो t का पावर कितना देखते हैं हम
हम तो बोले हैं कि पावर जो वेरिएबल का पावर हमको होल नंबर होना चाहिए, तो रूट रूट टी जो लिखा हुआ है, रूट टी जो लिखा है, तो रूट टी को अगर हम बाहर करके लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू, तो टी टू द पावर हाफ, यही तो होता है रूट टू का वैल्यू। तो अभी जो वेरिएबल टी का पावर जो है वो हाफ है, हाफ इज नॉट ए होल नंबर, तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल। ओके, ये तो पॉलीनोमियल नहीं है, वेरिएबल का बात तो अलग है, ये पॉलीनोमियल नहीं है, दिस इज द आंसर। देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, वाई प्लस 2 बाई वाई, तो हियर द वेरिएबल इज वाई, हियर वेरिएबल इज वाई, तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 2 बाई वाई, इसका क्या मतलब होता है, 2 और y तो इन्वर्स हो जाता है, y का पावर -1 हो जाता है, तो ये जो वेरिएबल है इसका पावर -1, दैट मींस नॉट ए -1, नॉट ए होल नंबर। सो व्हाट विल राइट हियर, इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल, आज डिग्री ऑफ मतलब डिग्री नहीं, वो पावर ऑफ वेरिएबल वाई इज नॉट ए होल नंबर नहीं है, तो y का पावर एक होल नंबर नहीं है। हियर ऑल्सो इन प्रीवियस क्वेश्चन, आज ये जो पॉलीनोमियल नॉट ए पॉलीनोमियल लिखे आज, तो वेरिएबल t इज नॉट, आज तो पावर ऑफ वेरिएबल टी इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, क्लियर, यहाँ टी का भी पावर एक होल नंबर नहीं था, तो हियर ऑल्सो द पावर ऑफ वेरिएबल वाई जो है इसका पावर भी होल नंबर नहीं है। आई थिंक क्लियर। ले डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन भी, x टू द पावर 10, y टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 50। हियर ये एक पॉलीनोमियल है कि नहीं, ये तो पॉलीनोमियल है, लेकिन क्वेश्चन हमको पूछा गया पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं, तो ये पॉलीनोमियल है, इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं बोलेगा वन वेरिएबल, क्यों, देखिए यहाँ x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, तो t भी एक वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल नॉट ए वन वेरिएबल पॉलीनोमियल। आज वेरिएबल इन एक्स वाई एंड टी, तीनों वेरिएबल इसका है, तो ये इसमें 3 वेरिएबल है, लेकिन इसीलिए हमको ये पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल जो क्वेश्चन पूछा है वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, और ये दोनों जो पॉलीनोमियल एकदम नहीं है इसको मेंशन किए हैं, और ये
पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, इट इज द पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एक्स है और इसमें भी वन वेरिएबल है और पावर भी इसका वेरिएबल का पावर भी होल नंबर होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। और जो लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लीजिए, तो इट विल बी इजी टू डिस्कस द क्वेश्चन। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स।